You are listening to Namaskar India podcast, where we try to understand the vastness, diversity, and cultural heritage of India we live in today. One story and one conversation at a time. Episode 17, South of Vindhyachal. अब तक हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में जाना जो कि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी, पर उन एरियाज का क्या जो गुप्ता एम्पायर के आधिपत्य से बाहर थी, एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। आइए उन डायनेस्टीज के बारे में जानें जो डेक्कन और साउथ के इन एरियाज को कंट्रोल कर रही थी। हेलो एंड वेलकम टू नमस्कार इंडिया, और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना। जैसे कि हमने बात की थी, मौर्यन एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल एंटिटी और एम्पायर दैट हैज एग्जिस्टेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और जब वो ऑलमोस्ट पूरी कंट्री पे रूल कर रहे थे, द कलेक्टिव एरिया ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड केरला वॉज रूल्ड बाय पंड्यास, चोलास एंड चेरास। पर मौर्यंस के बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के साउथ में कवरिंग द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में सातवाहना डायनेस्टी ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। दे आर ऑल्सो नोन एज दी आंध्रास, हु रूल्ड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम अराउंड 200 BC टू 200 CE एंड फॉर्म्ड अ कल्चरल ब्रिज एंड प्लेड अ वाइटल रोल इन ट्रेड एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ आइडियाज एंड कल्चर टू एंड फ्रॉम द इंडो-गैंजेटिक प्लेन टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। उन्होंने इस एरिया को इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियंस एंड इंडो सिंथियंस के इन्वेजन्स के दौरान डिफेंड किया, पर ये इन्वेजन्स उन पे काफी भारी पड़े एंड कॉज देयर डिक्लाइन। Different areas of Deccan were then momentarily ruled by several small dynasties and clans, and unme se ek the the Nagas. Naga dynasty, Bharshiva dynasty ke naam se bhi jani jati hai. Bharshiva, yani wo royal bloodline jisne Bhagwan Shiv ko prasanna kiya unke bhari ling ka bhar apne kandhon pe uthake. Nagas operated like a group of royal families ruling from different centers, unlike a traditional dynasty or empire. ये लोग early 3rd century में power में आए और कुषाण empire के fall में सहायक बने। मध्य प्रदेश के पद्मावती एंड कांतिपुरी वाले areas जो कि ग्वालियर के पास है, और विदिशा में इनके power centers थे। इसके अलावा एक फैमिली उत्तर प्रदेश के मथुरा वाले एरिया को कंट्रोल कर रही थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, जिसे हम बनारस या काशी के नाम से भी जानते हैं, एक जगह है दश अश्वमेघ घाट, जो कि मेन घाट है काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास। यहाँ कभी जाइएगा तो शाम की गंगा आरती जरूर देखिएगा, अमेजिंग एटमॉस्फेयर होता है। पुजारियों द्वारा मंत्र और भजन गाए जाते हैं, मल्टी टियर्ड ब्रास लैंप्स जलाए जाते हैं, फूल चढ़ा के और धूप जला के गंगा देवी की पूजा की ये सेरेमनी पूरी की जाती है। इट्स स्पेक्टैक्युलर एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर एट द घाट एवरी इवनिंग टू वॉच द इवेंट। दश अश्वमेघ घाट, इस नाम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ हुए होंगे, राइट? सो आखिर किसने कराए ये 10 यज्ञ? स्कंद पुराण के काशी खंड से आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव को काशी का समाचार जानना था, तो उन्होंने योगिनियों को और सूर्य देवता को काशी भेजा, पर कोई नहीं लौटा। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से काशी जाने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी काशी पहुंचे और उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष धर लिया, और वहां के राजा दिवोदास से कहा कि वो वहां यज्ञ करवाना चाहते हैं, क्योंकि काशी एक पावन भूमि है जहां धन धर्म के मार्ग से प्राप्त किया गया है। राजा यज्ञ करवाने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने सारी यज्ञ सामग्री और अरेंजमेंट्स अवेलेबल कराने का प्रॉमिस किया। ब्रह्मा जी ने फिर वहां 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और वहां ब्रह्मेश्वर लिंग स्थापित किया टू वेलकम लॉर्ड शिवा, जिससे ये भूमि और भी पवित्र और दिव्य हो गई, और इसलिए यहाँ डुबकी लगाने वालों को 10 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है।
ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी इसके बाद काशी छोड़ के कभी वापस गए ही नहीं। शिव भगवान की आराधना करते हुए वो वहीं रह गए। वैसे सोचा जाए तो शिव भगवान तो काशी में हमेशा ही विद्यमान है, काशी विश्वनाथ के रूप में, तो फिर उन्हें वहां का समाचार कैसे नहीं पता होगा। मे बी वॉन्टेड टू मेक काशी इवन मोर स्पेशल। भोलेनाथ की लीला भी काफी निराली है। जानते हैं और किसने यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाए? नागा डायनेस्टी के रूलर्स ने। कुषाण एम्पायर को हराने के बाद उन्होंने इस एरिया पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और गंगा जल से अपना राज्याभिषेक किया। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? समुद्रगुप्त जब गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड करने के कॉन्क्वेस्ट पे निकले तो उन्होंने नागास को हराया और उन्हें अपना फ्यूडेटरी बनाया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र चंद्रगुप्त की शादी नागा प्रिंसेस कुबेर नागा से करवाई और इन्हीं की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, जिनकी शादी वाकटका डायनेस्टी में हुई। अब ये वाकटकास कौन थे? After the Satvahana dynasty, the stage was set in Deccan and Central India for a local power to stake its claim. And in 250 CE, Vindhya Shakti, a Brahmin chieftain, founded the Vakataka dynasty. कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोग सातवाहनास के feudatories हुआ करते थे, जो अपने overlords के decline के बाद power में आए और अपना control establish किया। 270 CE में विंध्या शक्ति के पुत्र प्रवार सेना राजा बने और इनके रूल के अंडर वाकटका डायनेस्टी ने अपना रूल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में एस्टैब्लिश किया। प्रवार सेना के 4 पुत्र हुए और उन्होंने पूरे किंगडम को आपस में बांट लेने का निश्चय किया। हिस्ट्री टेल्स दैट इट इज अ रेसिपी फॉर फेलियर, पर शायद उन्होंने हिस्ट्री बुक्स पढ़ी नहीं ठीक से। पर जो भी हो, वाकटकास ने इंडिया के मैप में अपनी जगह बना ली थी और उनकी काफी प्रेस्टीजियस एंड पावरफुल पोजीशन थी और उन्होंने उसे नागा डायनेस्टी और गुप्ता एम्पायर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना के और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया और अपना इन्फ्लुएंस कोंकण, गुजरात, मालवा और छत्तीसगढ़ तक फैलाया। प्रवार सेना ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र की शादी नागा डायनेस्टी के भावनागा की पुत्री से करवाई और इनके जो पुत्र हुए वो थे रुद्रसेन वन, और रुद्रसेन वन के ग्रैंडसन रुद्रसेन टू की शादी हुई प्रभावती गुप्ता से। आई नो ऑल दीज मैरिज अलायंसेस कैन गेट वेरी कंफ्यूजिंग, बट द पॉइंट इज गुप्तास, वाकटकास एंड नागास वर ऑल कंटेम्पररीज एंड विद दीज मैरिज अलायंसेस दे ऑल बिकेम स्ट्रॉन्गर। आपको याद होगा किस तरह कुमार गुप्ता और प्रभावती गुप्ता ने मिलके गुप्ता एम्पायर और वाकटका डायनेस्टी पे एक सिंगल एंटिटी की तरह शासन किया। वाकटकास रूल टिल 500 CE एंड व्हेन द गुप्ता एम्पायर कोलैप्स्ड, these guys also crumbled and their territories were then taken over by dynasties like Olikaras, Kalachuris and Kadambas. By the way, Maharashtra ke Aurangabad district mein Ajanta Caves hai, famous for their early Buddhist temple architecture, sculptures and delicately drawn murals. It is an ASI protected site as well as a UNESCO World Heritage site. Okay, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये अजंता केव्स का डिटूर क्यों? तो बात ये है कि अजंता में जो 30 केव्स है उनका कंस्ट्रक्शन 2 फेजेस में हुआ। पहला सातवाहना डायनेस्टी के पैट्रोनेज में और दूसरा वाकटका डायनेस्टी के पैट्रोनेज में। नेक्स्ट एपिसोड विल बी अ स्पेशल एपिसोड जिसमें हम अजंता केव्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड दिस इज योर होस्ट आराधना साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑन योर पॉडकास्ट ऐप और यूट्यूब सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी एपिसोड्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो किसका वेट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जल्दी से इसे शेयर कीजिए। इफ यू हैव एनी फीडबैक यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जिसके लिंक्स आपको एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।